याद हो। दीदी हम पहले तो जानना चाहेंगे श्री राजलक्ष्मी एंटरटेनमेंट की जर्नी अभी तक बॉलीवुड में क्या रही है। राजलक्ष्मी एंटरटेनमेंट पिछले 20-22 सालों से मैं बैकग्राउंड में रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में रहा हूँ। और राजलक्ष्मी एंटरटेनमेंट जो है ये पहले नाम नहीं हुआ करता था। राजलक्ष्मी एंटरटेनमेंट हमने जो है वो अभी बैनर बनाया है लास्ट 2 ईयर्स पहले, और उसके पहले जो थे वो हमने किसी और नाम से बिजनेस किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। और अब राजलक्ष्मी जो एंटरटेनमेंट है वो बेसिकली प्रोडक्शन में है, तो डेफिनेट एक नया नाम जो है वो हमने ये लिया है और ईश्वर के नाम से इसको शुरू कर रहे हैं राजलक्ष्मी। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात की जाए तो आप फिल्में कह रहे हैं, कौन कौन सी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की हैं? हमने बिगनिंग जो की थी वो करीब आज से 30 साल पहले मैंने की, और 30 साल पहले हमने जो फिल्में की तो बिगनिंग में हमारी आशिकी, फूल और कांटे और तमाम छोटी बड़ी फिल्में जो हैं वो हमने की हैं, और हमारा वो दौर था। और आज भी जो है न्यू स्टार कास्ट का दौर है, जो हमने फिल्म की आशिकी की, फूल और कांटे की, तो वो भी एक ऐसा दौर था जब हम बड़े बड़े स्टार की फिल्में किया करते थे। विनोद खन्ना हमारे स्टार थे, धर्मेंद्र हमारे स्टार थे, और राजेश खन्ना का दौर था, अमिताभ का दौर था, और फिर हमने जो है वो इस तरह से नए स्टार कास्ट के साथ भी काम किया और आज भी कर रहे हैं।